नमस्कार साथियों, कल शिक्षा मंत्री जी व सीएम के ओएसडी देवराम सैनी जी की मुलाकात के बाद आज हमारे साथी मनोज जी मेघवाल जी के घर पर जाकर उनको पूरा समर्थन दिया है और घर घर जाकर मनोज जी मेघवाल जी को वोट देने की अपील भी करने की घोषणा की है। हम सभी अभ्यर्थियों ने गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा मनोज जी के पक्ष में करने का फैसला लिया है और मास्टर भवनलाल मेघवाल जी को नमन करते हुए सुजानगढ़ की इस पवित्र धरती से मनोज जी को विधानसभा में भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार, मनोज जी के घर पर हम आए हुए हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में सामान्य वर्ग से 14% पद कटौती की वृद्धि करने के लिए मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा कातर जनसभा में उन्होंने घोषणा की। कल हम उषाराम जी और सांवरमल जी मेरिया, मनोज जी भाई साहब ने हमें शिक्षा मंत्री जी के पास भेजा। शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मनोज जी को आप जिता कर लाओ विधानसभा के अंदर, आपका काम 100% किया जाएगा और हमारी सीएमआर के अंदर ओएसडी देवाराम जी से साहब से मुलाकात करवाई। तभी उन्होंने यही कहा कि आप मनोज जी को जिता कर लाइए, आपका काम किया जाएगा, आपकी मांग लीगल है। मनोज जी ने पहले भी हमें अवगत करवाया है। तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र के हम सभी साथी यहाँ आए हुए हैं, मनोज जी का पूर्ण समर्थन करते हैं और क्षेत्रवासियों से, विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदार सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 17 अप्रैल को मनोज जी को अमूल्य वोट देकर हाथ पर दो नंबर बेल्ट पर बटन दबाकर विजय बनाकर क्षेत्र से भेजे। धन्यवाद। साथियों, कुछ साथियों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये धरना समाप्त क्यों कर लिया गया। साथियों, धरना इतना आसानी से हमने समाप्त नहीं किया है। धरना समाप्त करने से पहले अंबेडकर जयंती के दिन स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल धरना स्थल पर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका काम 100% करवाऊंगा, आप मेरा समर्थन कीजिए। उनके साथ साथ पूर्व प्रधान उषाराम गोदारा जी एवं बीएल भाटी पूर्व सभापति जी भी धरना स्थल पर आए थे और उन सब की समर्थन के बाद हमने उनको समर्थन दिया और कल जयपुर शिक्षा मंत्री जी व सीएम साहब के ओएसडी देवराम सैनी जी की मुलाकात के बाद ही हमने सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि धरना समाप्त किया जाए और प्रत्याशी मनोज मेघवाल को समर्थन दिया जाए। जय हिंद।